व्हाट्सएप में व्हाट्सएप ये फीचर कैसे यूज़ किया जाता है या आपको पता ही होगा। सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ओपन करते हैं, फिर ओपन से वहाँ से लिंक डिवाइस, देन वहाँ से अपने पीसी में web.whatsapp.com ओपन कर लेते हैं। उसके बाद QR कोड को स्कैन कर लेते हैं। यहाँ से स्कैन करने के बाद यहाँ पर जिस विंडो का भी ब्राउजर कनेक्ट होता है ब्राउजर का नाम आ जाता है और विंडोज़ का भी नाम आ जाता है। उसके बाद अपने फ़ोन पर मैंने डाटा और ये वाईफाई दोनों बंद कर दिया है। उसके बाद भी मेरा व्हाट्सएप एक से कनेक्ट है, मैं डायरेक्ट यहाँ से मैसेज करूँगा। अब मेरा फ़ोन अभी ऑफलाइन है, उसके बावजूद भी मैसेज सेंड होगा। ये व्हाट्सएप का न्यू अपडेट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब अब व्हाट्सएप भी यूज़ करने के दौरान आपके फ़ोन को ऑनलाइन होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे भी उसे मैसेज कर सकते हैं बिना फ़ोन पर। थैंक्स। फ़ोन मेरा अभी भी डिस्कनेक्ट है, लेकिन मैं इन्हें मैसेज कर रहा हूँ और ये डबल टिक हो चुका है। तो मेरा फ़ोन ऑफलाइन है, उसके बावजूद भी यहाँ पे फ़ोन डबल टिक हो चुका है। थैंक्स।